ओके सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। तो दोस्तों आप लोगों को पता है 6/10 दिवाली आने वाले हैं और उस टाइम तत्काल टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं जिसकी मदद से तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो तत्काल टिकट बुक करने के लिए आप लोग यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप यूज कर सकते हैं या फिर IRCTC के वेबसाइट यूज कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से तत्काल टिकट कन्फर्म बुक करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप यूज करें। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप यूज करते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब भी आप तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं मास्टर लिस्ट यानी कि पैसेंजर डिटेल पहले से ही सेव करके रखना है। मास्टर लिस्ट आपको कैसे बनाना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। जब भी आप मास्टर लिस्ट बनाते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो कोशिश कीजिए 1 से 2 नाम ही एक साथ बुक करें, क्योंकि यहाँ पर आप 3 से 4 नाम टिकट बुक करते हैं एक साथ तो यहाँ पर प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से भी आप लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को 1 साथ 2 ही नाम बुक करना है। और जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तो आप लोग यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर चेंज नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी लोग यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि जब IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे लिए आप लोगों को 4 से 5 सेकेंड बर्बाद हो जाता है। और यहाँ पर पता है आप लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपको एक सेकेंड आपको बचाना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पर तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर नहीं चेंज करना है। इसके बाद जब भी आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करते हैं तो आपको लॉगिन किस टाइम करना है, यानी कि 1 मिनट पहले लॉगिन करना है। यदि स्लीपर क्लास के टिकट बुक करते हैं तो 10:59 में आप लोगों को लॉगिन करना है। यदि आप इससे पहले लॉगिन करते हैं यानी कि 2 से 3 मिनट पहले, तो आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो सकता है, जिससे आप लोग काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। और नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन होने में भी प्रॉब्लम होगा। यदि लॉगिन कर भी लेते हैं तो आप जब तक पेमेंट पर पहुँचेंगे तो वेटिंग लिस्ट आ गए होते हैं। इसके बाद जब आप IRCTC पे लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद सर्च ट्रेन पे किस टाइम क्लिक करना है, ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे 11 बजे सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देते हैं, जिसमें क्योंकि IRCTC के सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना, यानी कि 2 से 3 सेकेंड, यानी कि 11:03 से 4 सेकेंड पर आपको सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के यहाँ पे पैसेंजर डिटेल, मोबाइल नंबर, उसके बाद एड्रेस फिल करने के बाद रिव्यू जोनी डिटेल पे आप लोगों को 1 मिनट बाद क्लिक करना है, यानी कि 11:01:03 में आपको रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है। रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को पेमेंट ऑप्शन आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिए यहाँ पर फ़ोनपे या फिर पेटीएम यूज करें। यदि आप फ़ोनपे या पेटीएम यूज करते हैं पेमेंट आप काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग ईजिली तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। और जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिए वाईफाई अपने मोबाइल से कनेक्ट करें, क्योंकि काफ़ी लोग ये गलती करते हैं जब भी तत्काल टिकट बुक करते हैं, और वो लोग अपने मोबाइल फ़ोन के डाटा से ही टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी हम मोबाइल फ़ोन के डाटा से यदि हम टिकट बुक करते हैं या फिर कई सारे ब्राउज़र ओपन करते हैं, तो क्योंकि ब्राउज़र जो है यहाँ पे काफ़ी स्लो काम करता है, तो आप लोगों को ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तो काफ़ी हद तक सही होगा, जिससे कि आप लोग इजीली तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। यदि आप तत्काल टिकट बुक करते समय इन सब बातों को ध्यान रखते हैं तो आप लोग इजीली तरीके से तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तत्काल टिकट बुक करने में तो आप लोग इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।